यार वक्त तो मुझे बड़ी अफसोस है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है इन्होंने पिछले साल भी मकअप किया काफ़ी गड़बड़ की तसलसल तो सारा पी का तोड़ दिया उस वक़्त इनको चाहिए था कि स्टेडियम बंद करके बाकी मैचेस करवा लेते ऑल ये उसके बाद इंग्लैंड भी गए और न्यूजीलैंड भी गए और इन्होंने वहाँ भी इसी तरीके से काम किया मगर यहाँ इन्होंने बिल्कुल तसलसल तो तोड़ दिया और फिर बाद में करवाया जिसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट था पी एस एल उसकी स्टार वैल्यू जो थी वो खत कम हो गई इस साल तो उन्होंने और भी ज़्यादा हमाकत की है उसकी वजह यह है कि इस साल तो हुकूमत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं थी इन्होंने बायोसिक्योर बबल जो था वहाँ गड़बड़ कर दी वहाँ मिसमैनेजमेंट कर दी और बेचारे डॉक्टर सोहेल को सेक्रीफाइस कर दिया कुर्बानी दे दी उसकी उनका क्या तल्लुक था? था उन्होंने तो एस ओ पीज बनाए थे अब इंप्लीमेंट करने के लिए तो दूसरा महकमा होता है और, और उनको उनके साथ ये ज्यादी की और उसके बाद इनको समझ नहीं आई कि अब क्या करना है इनको चाहिए था उसी वक्त फॉरन कंपनी को हायर करते और अगले दस दिन के अंदर इसको कंटिन्यू कर लेते और अगर कोई थोड़े से खर्चे बढ़ते थे तो वो कर लेते लोगों को जो बाहर से आए हुए थे उनको बैठा लेते मगर नहीं इन्होंने उनको वापस कर दिया इन्होंने फैसला किया जी अब पता नहीं करना नहीं करना कब करना फिर बैठे रहे कि जी गवर्नमेंट के पूछेंगे गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नहीं फिर ये चले गए उधर ये क्या बात थी इमरान खान अगर एक बटन दबाता तो गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे देनी सी कि बंद करके स्टेडियम्स कर ले यहाँ अब जाके जुलाई में गए हैं वहाँ पहले दुबई वालों से बात की फिर उनसे बात करते करते आखिर वक़्त के पुल आउट कर गए वहाँ से अब दुबई वाले बड़े नाराज़ हैं अब चले गए हैं जाके वहाँ अबू धाबी चले गए हैं और उसकी वजह वजह भी जो है जो बातें सुनने में आ रही हैं कि वहाँ भी आ, पी सी बी के ऑफिशल्स के कोई कॉन्टैक्ट की वजह से उन्होंने कहा दुबई में मत करो अबू धाबी में कर लो पता नहीं वहाँ क्या किया क्या हुआ वो भी एक वक्त आएगा वो सारी कहानी बाहर आ जाएगी कि किसके ज़रिए इन्होंने शिफ्ट किया वहाँ और क्यों किया उसके पीछे क्या है क्या नहीं अब इस गर्मी के अंदर अब ये करने जा रहे हैं और अभी तक पता नहीं चला कि सारी टीमें वहां पहुंची हैं नहीं पहुंची चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पहले सात लोग थे अब दस लोग वहां बैठ गए हैं जाके दो महीने दो हफ्ते हो गए मतलब है समझ नहीं आ रही ये क्या रहे हैं और चेयरमैन साहब कहीं और बैठे हुए हैं एम साहब अभी पहुंचे हैं वहां जाके कुछ नहीं ऑनेस्टली मैं बहुत मायूस हूं मुझे मायूसी असली बात इस बात की है राना कि ये जो ब्रांड है ना ये ये जो ब्रांड वैल्यू बनती है कि एक एक्साइटमेंट हो लोग दिलचस्पी लें दिन रात उसकी इंतजार में बैठे और एक एक चीज को फॉलो करें और फैंस जो हैं कराची के लाहौर के वो अपनी टीम्स के पीछे हो वो दुआएं मांग रहे हो शर्ट्स पहनी हुई हों रौनक लगी हुई हो उसके साथ फिर एक हाइप बनती है फिर मीडिया उसको आगे करता है फिर जितना वो बढ़ता है उतने लोग उसको देखते हैं टीवी के ऊपर जितने लोग उसको देखते हैं उतनी उसकी वैल्यू बनती है क्योंकि फिर इश्तेहार जो है कंपनीज जो है वो इश्तेहार देने के लिए तैयार हो जाती है एंड सोन तो इस किस्म की सिचुएशन है और यहाँ ये है कि जनाब इनको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, कि नहीं है। और बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगे इसके साथ बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है बहुत मायूसी है मुझे